आज हमने खबरों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक इस तरह का बयान दिया जिससे ऐसा लगता है कि देश में लोग क्या खा रहे हैं उस पर भी सरकार की नज़र है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि उनके घर में कुछ ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं कि वो कुछ अजीब सा भोजन खा रहे हैं जिससे लगता है कि ये लोग इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से हैं। खबरों में ये बात आई है कि जिस भोजन का नाम वो ले रहे हैं वो हम सब इस देश में आज से नहीं बहुत सालों से खा रहे हैं, पोहा। सवाल ये है, हम बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि एनपीआर का एक कंटेंट भी है और एक कॉन्टेक्स्ट भी है जो चिदंबरम जी ने कहा है। कंटेंट क्या है आप सबको मालूम है कि माता पिता कहाँ रहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सब एडिशनल फील्ड्स के अलावा जो इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भय वहां से शुरू होता है एनपीआर को लेकर। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर क्या खाना खा रही है, उस खाने को देखकर उनको लगता है कि वो घुसपैठिए हैं, तो आप सोच सकते हैं या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एनपीआर हुआ जिस तरह से एनआरसी आसाम में हुआ तो देश में आम जनता का क्या हाल होगा।